साजिश के तहत मेरी चौटाला साहब, आप दुष्यंत दिग्विजय का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आप उनको समर्थन कर रहे हैं। मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों का कभी समर्थन नहीं करता। मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ और मेरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार उमेश जरेडू जो है, मैं उसका समर्थक हूँ और उसकी तन मन धन से मदद करूंगा। चौटाला साहब, आप फरलो पे जा रहे हैं, क्या आप स्वस्थ हैं? जेल से अरे तो शुभ कर रहे, क्या क्या कर रहे हो आप? क्या स्वस्थ हैं? आपको ले जाया जा रहा है? नहीं, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल से निकाला जा रहा है। तो चौटाला साहब, क्या जींद में जिस प्रकार से वहां राजनीति चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? जींद की राजनीति चाहे कुछ भी चले, जींद जो है वो मेरे पिताजी का राजनीतिक क्षेत्र है और इसलिए जींद के लोग उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। सर, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आपने फरलो इसलिए रद्द करवाई है खुद से क्योंकि दुष्यंत दिग्विजय खिलाफ आप प्रचार नहीं करना चाहते थे? क्यों नहीं करना चाहता? मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों को कभी भी माफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। परिवार नहीं चलता, व्यवहार चलता है। के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ। किसी के लिए वोट देने की अपील करेंगे आप? उमेश रेडू जो है वो मेरी पार्टी का उम्मीदवार है, मैं उसके लिए हरेक से अपील करूंगा और सबसे निवेदन करूंगा उसको भारी मतों से विजयी बनाऊं।